अवैध संबंधों के चलते हुई थी दीपक की हत्या। महिला समेत तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कानपुर पनकी थाना क्षेत्र में 14 जनवरी को दीपक नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। कमिश्नरेट पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही हत्या की वारदात का अनावरण कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र की रहने वाली मिट्टी और आशा के प्रेम संबंध दीपक से थी। इस वजह से पंकज और गोलू की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी। 13 जनवरी को मृतक दीपक ने आशा से गाली गलौज करते हुए रुपयों की मांग की थी। इस बात से नाराज होकर अभियुक्त गणों ने साजिश रचकर सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे डाला। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।